फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और यहां पर लिखा है 12 साल पुराना ये व्हिस्की। साथ साथ मेरे पास और एक बॉटल है जहां पर लिखा है 12 ईयर्स ओल्ड शिवाश रिगल है और ये भी दावा करता है कि ये व्हिस्की 12 साल पुराना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि ये सच में 12 साल पुराना व्हिस्की है? ध्यान से मेरे बातों को सुनिए। मान लेता हूं कि आज ये व्हिस्की जन्म लिया है, मतलब कंपनी जन्म लिया है, तो फिर 12 साल तक ये व्हिस्की को बनाते रहेंगे और स्टोर करते रहेंगे आगे में, मतलब 12 साल बाद सप्लाई करने के लिए। आप एक बात बताइए, सोच के बताइए कि कंपनी को क्या पता है कि आज से 12 साल बाद इसी दिन में कितना गैलन व्हिस्की इनको चाहिए, उस हिसाब से ना बनाना पड़ेगा। और सोच के बताइए कि कंपनी का ग्रोथ 12 साल बाद कहां जाएगा, कंपनी जिएगा या मरेगा? क्या कंपनी को पता है कि उस हिसाब से व्हिस्की बनाएगा? क्या कंपनी इसमें घपला कर सकता है? क्या इसमें कुछ मिलावट करके 12 साल बोलकर बेच सकता है? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो फिर बताइए कि ये सच में क्या 12 साल पुराना व्हिस्की है? एक बार ध्यान से सोचिए। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। अगर आपको व्हिस्की के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना है तो ये वीडियो देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आंसर में मैं बोलूंगा जी हाँ, ये जेन्युइनली 12 इयर्स ओल्ड व्हिस्की है। मतलब कोई भी बॉटल, स्कॉच व्हिस्की बॉटल में अगर आपको कोई भी एज सेगमेंट दिखता है, 12, 15, 14, 25, 18, जो भी आपको एज सेगमेंट दिखता है वो जेन्युइन है, एकदम करेक्ट है, सच में वो 12 years, 18 years, 25 years old है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये huge supply कैसे देता है? यार 12 years बहुत लंबा टाइम होता है, एक बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने लगता है, तो फिर कैसे दे पाता है? आइए इसको और भी बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ह्यूज सप्लाई है इसको कवर करने के लिए कंपनी एक तरकीब अपनाया है जिसको कहा जाता है ब्लेंडेड व्हिस्की। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर लिखा है ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की, ये देखिए लिखा है। आप अगर शिवाश को भी देखेंगे तो यहां पर भी लिखा है ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये लोग कैसे ये ह्यूज सप्लाई को दे पाते हैं। मतलब साफ है ये सब ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है। कैसे? मान लेता हूं कि जॉनी वॉकर ब्रांड अपना व्हिस्कीज को ऐसे ही कुछ बैरल में डाल के रख दिया है 12 साल तक, बट उसके पास सिर्फ 600 बैरल है, 600 बैरल्स जो 12 साल कंप्लीट हो चुका है, मतलब रेडी टू सर्व, अभी ये इसको सेल कर सकता है कंपनी। बट कंपनी के पास रिक्वायरमेंट है 6000 बैरल या 3000 बैरल, कुछ भी पकड़ लीजिए। अब कंपनी क्या करेगा? तो फिर कंपनी को स्टेप आउट करना पड़ेगा अपना डिस्टिलरी से दूसरे डिस्टिलरी की तरफ। जी हाँ, एक कारखाना से और एक कारखाना की तरफ, मतलब स्कॉटलैंड के आसपास जो डिस्टिलरी है वहां से व्हिस्की इसको कलेक्ट करेगा और अपना व्हिस्की में ब्लेंड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मतलब कंपनी खुद 600 बैरल का जुगाड़ कर लिया, अभी उसको 6000 और बैरल चाहिए, तो वो आसपास का डिस्टिलरी से जुगाड़ कर लिया, अब ब्लेंड करके बॉटल करके सेल कर दिया। याद रखने वाला बात ये है कि जब भी और जहां से वो व्हिस्कीज को कलेक्ट करेंगे वो स्कॉटलैंड का ही होना चाहिए, और साथ साथ जितने भी बैरल्स को कलेक्ट करेंगे, जितने भी व्हिस्कीज को वो लोग कलेक्ट करेंगे, वो सब 12 साल पुराना होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ऊपर हो सकता है, वो 25 इयर्स भी हो सकता है, 14 इयर्स भी हो सकता है, 13 इयर्स भी हो सकता है, 15 इयर्स भी हो सकता है, बट 8 इयर्स नहीं होगा। जो भी व्हिस्की उसमें मिलाया जाएगा उस ब्लेंड में, अगर वो 12 ईयर का स्टेटमेंट है तो क्लियरली जो भी व्हिस्की उसमें डालेंगे सब 12 इयर्स का ही होना चाहिए एज पर द स्कॉच व्हिस्की लॉ। अगर उस पर्टिकुलर ब्लेंड में आपने एक 8 years old whiskey इसको डाल दिए तो आपको लिखना पड़ेगा 8 years old whiskey, not 12। तो इससे साबित होता है कि ये जो ह्यूज सप्लाई है, इस सप्लाई को कवर करने के लिए कंपनी अपना whiskey में बहुत सारा whiskey इसको मिला के फिर सेल करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर टेस्ट कैसे एक समान होता है? मतलब जब भी आप
जॉनी वॉकर को पीते हो आपको तो एग्जैक्टली जॉनी वॉकर ही लगता है, जब भी आप सुभाष को पीते हो एग्जैक्टली सुभाष ही लगता है, क्या आपको कभी अलग लगा है? बट इसमें कम से कम 27 व्हिस्की और यहाँ पर कम से कम 40 व्हिस्की का मिश्रण है, फिर भी आपको एग्जैक्टली सेम कैसे हो जाता है? और यहाँ पर आता है आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। जी हाँ, इसको अंजाम देता है मास्टर ब्लेंडर। जैसे इंडियन शेफ होता है अपना खाना बनाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेफ अलग होता है अपना खाना बनाता है, जैसे बिरयानी जो बनाता है वो अलग शेफ होता है, वैसे ही जितने भी व्हिस्कीज आप देख रहे हैं ये अलग अलग मास्टर ब्लेंडर होता है जो अपना व्हिस्कीज को बनाते हैं। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्हिस्की का शेफ। ये कितना टफ एक काम है, आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मान लेता हूं ऐसा ही कुछ वुडन बैरल में आपने 40 बैरल में व्हिस्कीज डाल के आपका जो पार्किंग स्पेस है वहां पर रख दिए, और 40 बैरल को आपने दार्जिलिंग में पहाड़ की चोटी पे रख दिए। अब जहां पर मतलब पार्किंग स्पेस में जहां पर ये बैरल रखा है व्हिस्की के साथ, दिन वे दिन मतलब 12 साल मतलब वहां पर गाड़ी जा रहा है, गाड़ी आ रहा है, धुआं निकल रहा है, धूप पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग एरोमास वहां पर से जा रहा है आ रहा है, बारिश पड़ रहा है, यहां पर फंगस ले रहा है, मतलब 12 साल मतलब एक बार सोचिए पड़ा है आपका पार्किंग स्पेस पे, और 40 बैरल जो दार्जिलिंग में रखा है उस पहाड़ की चोटी पे, वहां पर आइस गिर रहा है, बहुत कूल एटमोस्फियर है, बहुत लाइट एटमोस्फियर है, वहां पर पॉल्यूशन है ही नहीं। तो एक बात बताए, 12 साल बाद मैं जब इस व्हिस्की को मतलब पार्किंग स्पेस में जो व्हिस्की बैरल रखा है उसको खोलूंगा, उसका टेस्ट और पहाड़ में जो रखा हुआ है दार्जिलिंग में जो रखा हुआ है उस व्हिस्की का टेस्ट क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड, क्योंकि आपका पार्किंग स्पेस में रखा हुआ व्हिस्की बहुत ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आके बहुत जल्दी जल्दी मैच्योर हो गया था, और जो कूल प्लेस में रखा है वो बहुत स्लो मैच्योर हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो एक बात सोचिए, अगर जॉनी वॉकर में 40 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हिस्कीज है और उसको मिलाते हैं, ऑफकोर्स वो अलग अलग कैटेगरी का व्हिस्की होगा, अलग अलग लेवल का व्हिस्की होगा। हाईलैंड से मंगवाते हैं, स्पेस हाइट से मंगवाते हैं, लोलैंड से मंगवाते हैं, आइले से मंगवाते हैं, तो उन सब व्हिस्कीज को जब इकट्ठा मिलाते हैं ऑफकोर्स पूरा चांसेस है इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मास्टर ब्लेंडर, बार बार बोल रहा हूँ इन शख्स का नाम, क्योंकि यही है वो जो ये कमाल का काम करके दिखाता है। कैसे करता है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद जो 6000 सैंपल आया है, जो 6000 बैरल अलग अलग, उन सबको एक छोटा छोटा कंटेनर में अपने टेबल पर रखते हैं, और उस टेबल पे एक बीकर रहता है, लंबा सा बीकर, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब मिलाते हैं और मिला के एक जगह लिखते रहते हैं। जो जो कंपोजिशन को मिलाते हैं वो टेस्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, सूंघते हैं। सूंघने के बाद जब उसको लगता है कि ये जो प्रोफाइल है ये संपूर्ण सही है जॉनी वॉकर ब्लैक के लिए, तब वो कंपोजिशन ब्लेंडर्स को हाथ में दे देते हैं कि भाई आप तुम इन बैरल से उन सब उसकी को इतना इतना मात्रा में मिलाओ, आपको एग्जैक्टली जॉनी वॉकर ब्लैक मिल जाएगा। तो ऐसे करते हैं ब्लेंडर, अपना अपना व्हिस्कीज को मिलाते हैं और फाइनल ब्लेंड तैयार करके आपका बॉटल में डाल के आपको देते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि कैसे ये जो जेन्युइन 12 इयर्स होल्ड लिखा रहता है ये सालों से कैसे कंपनी सप्लाई करते चले जा रहे हैं, इसके पीछे यही सब रीजन था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक तो कर दीजिए, और शेयर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।